एवरीवन. सो हमने ऑलमोस्ट जो है काफी सारा चैप्टर कवर कर लिया है सॉलिड स्टेट का ऑलरेडी. आज का ये वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिलर इंडिसेस क्या होते हैं. अब ना इसे क्वेश्चन भी आता है और हमें ना पहचानने आने चाहिए कि किस तरह से होती है. पहले कॉन्सेप्ट आया कैसे वो सीखते हैं सबसे पहले. तो स्टार्ट करेंगे ये वाले क्वेश्चनों को बाद में करवाऊंगी. पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक वाले पार्ट से. एक ना लॉ होता है, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस. अब ये किस तरह का लॉ है, इसकी स्टेटमेंट क्या है वो हम देखते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसे, कोऑर्डिनेट सिस्टम से. मान लो यहाँ पे हमने एक्स ड्रॉ करी, एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई ड्रॉ कर दी और यहाँ पर हमने कर दी जेड एक्सिस ड्रॉ. ठीक है, अब ना यहाँ पर ये होता है कि सेंटर में मान लिया ओरिजिन जो है वो ओ है. ठीक है, अब मैंने ये ड्रॉ कर लिया. सपोज एक प्लेन में यहाँ पर ड्रॉ करता है इस तरह का और मैंने नाम दे दिया एबीसी. ये प्लेन में ड्रॉ हुआ है एबीसी और यहां पर मैं बोल रही थी जो एबीसी है वो एक यूनिट प्लेन है. यूनिट प्लेन का मतलब है हमें अब इसको ये माने कि स्मॉलेस्ट प्लेन पॉसिबल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्लेन. मतलब हम तीनों एक्सिस को यूज करके जितना छोटे से छोटा प्लेन जो बना सकते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है एबीसी. जितना मिनिमम स्मॉल हो सकता है पॉसिबल वो हमारे क्या है एबीसी. अब ना जो ये ना लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस वो ये कहता है कि अगर आप इसके ऊपर, हमने ये यूनिट प्लेन कंसिडर कर लिया, अब ना इसके ऊपर आप अगर कोई भी प्लेन ड्रॉ करते हो, सपोज ये वाला हमने ड्रॉ करा, इसको हम नेम दे देते हैं एल एम एन. सो इस लॉ के अकॉर्डिंग बात ये है कि जो हमारे पास ओ एम लगा लो आप, जो ओ एम है वो क्या होगा, इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा. इसको इस तरह से मानो जो ओ और ए ना, इसके हमने लेंथ मानी ए है, ओ भी क्या है बी है और ओ सी क्या है स्मॉल सी. ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ओ एम की लेंथ कितनी होगी, यहां पर ये कि ओ एम जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, एम इंटू बी के. एक बार देखो मैं समझाती हूँ, जो ओ एन है वो किसके इक्वल होगा, जो ओ एन है वो किसके इक्वल होगा, एन इंटू सी के. ऐसे ही जो ओ एल है वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू एल के. वेयर वेयर M, N, L, R, Weyl's indices. ये है इस लॉ की स्टेटमेंट. अब ना बात इतनी सी सिंपल सी बात ये है कि देखो प्लेन का मतलब क्या होता है. अगर मैं ऐसे बोल रही हूं कि ऐसे हमें कुछ कट कर रहे हैं यहां पर, इसको मैं नाम देते एबीसी, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ सिंपल सा, देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने आपको लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, मैं बोल रही हूँ यहां पर इसकी लाइन है ए, इसकी है बी. अगर मैं आपसे पूछती हूँ एक्स एक्सिस पे, मान लो ये वाई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पे इंटरसेप्ट कितनी है, इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, आप क्या बोलोगे, ये ए, क्योंकि यहां से लेकिन यहां तक की लेंथ कितनी है ए, है ना. और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितनी है, तो कितनी होती है वाई, सॉरी बी, कितनी है बी. कैसे बताओगे, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कोई भी लाइन आपकी एक्सिस को जहां पे भी कट करेगी वो उसकी इंटरसेप्ट होती है. हम जनरली क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं, जब आप ग्राफ बनाते हैं ना काइनेटिक्स का, किसी और चीज का फिजिकल में, हम ये मानते हैं कि हमारा ये इंटरसेप्ट है, इसको हम बोल देते हैं ऐसे ड्रॉ करके ऐसे सब, उसको हम बोलते हैं ये हमारे क्या है इंटरसेप्ट. तो हम क्या करते हैं, हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग ही इंटरसेप्ट कंसिडर करते हैं, बट एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है. तो यहां पर हमने क्या करें, जो लिखा ना सी है, सी कौन सा चीज, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन क्या है वो सी है, उसकी लेंथ कितनी है सी, स्मॉल सी, और यहां से यहां तक ए जैसे क्या इंटरसेप्ट ही है. तो हमारे पास जो ये लॉ है, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, ये बोल रहे हैं कि अगर आपने एक स्मॉलेस्ट प्लेन कंसीडर कर लिया, स्मॉलेस्ट प्लेन कौन सा एबीसी, अगर हमने स्मॉलेस्ट प्लेन कंसीडर कर लिया, इसके बाद आप जो भी प्लेन बनाओगे इस पर, कोई जितना बड़ा प्लेन डालो चाहे छोटा प्लेन डालो, वो कुछ इस तरह से होगा कि इसकी जो टोटल लेंथ होगी ना वो इस लेंथ का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगी, इस लेंथ का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगी. ठीक है, जैसे यहां पर क्या करना, मैंने मान लो सपोज करो ये टू है, यहां पर मैं बस मान लो कि ए जो है वो टू है, बी एड से वन वन मान के चलते ऐसे है, स्मॉलेस्ट हमने मान लिया इतना हो सकता है. उसके बाद ना ये क्या होगा, मान लो फोर है ये, तो क्या करेंगे वन इंटू फोर, ऐसे यहां पे मान लो इतना वाला पोर्शन कितना आया, लेट्स से थ्री आया, यहां पे टू आया, तो क्या करेंगे टू इंटू वन, थ्री इंटू वन और टू इंटू वन. इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये प्लेन कंसिडर कर लिया है, अब आप जो भी प्लेन बनाओगे, जो भी प्लेन बनाओगे उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसी का कोई ना कोई वो मल्टीपल ही होने वाला है. तो यहाँ पे जो एम एन और एल क्या है, ये सारे इनको बोलते हैं वेयर्स इंडिसेस, और क्या सारे इंटीजर होंगे, सारे क्या होंगे इंटीजर्स होंगे.
वो ये कुछ इस तरह से है कि हमेशा हमारे जो यूनिट प्लेन है उसके मल्टीपल ही होंगे, उसी चीजों से मल्टीप्लाई करो तब बस ये आ जाएगी पूरी लेंथ ओ एल, ठीक है, ऐसे ही ओ एन एंड ओ एम। ये हमारे पास क्या है, वेव सिंथेसिस। अब ना प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपको बोलती हूँ आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, मैंने बोला कि लाइन कुछ इस तरह से जा रही है आपकी, अब आप मुझे बता दो कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितनी है, या कि एक्स और ये वाई। सो अगर वाई पे पूछा जाए आप जितना भी डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, इसकी इंटरसेप्ट है अलोंग वाई एक्सिस। मैं पूछ रही हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इंटरसेप्ट कितने, कैसे बताओगे? इंटरसेप्ट क्या होती है, जिस भी एक्सिस पे कोई लाइन जहां पर भी कट करेगी उसको बोलेंगे। तो ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल जा रही है एकदम, कहीं पर भी कट नहीं करेगी, तो इंटरसेप्ट कितनी है, इंटरसेप्ट है इन्फिनिटी। इस वाले केस में जो इंटरसेप्ट हमारे पास है अलोंग एक्सिस वो कितनी है, इनफाइनाइट या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसे वाले केसेस में जब आपके पास इंटरसेप्ट किसी एक एक्सिस के अलोंग इनफाइनाइट हो जाए, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वेव सिंथेसिस का, ये फेल हो जाता है, वहां पर हम इसको नहीं लगा पाएंगे। क्यों बोला इन्होंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे अगर उसको कट ही नहीं करा, मान लो किसी पॉइंट पे कट ही नहीं किया उस प्लेन ने, तो फिर कैसे बताएंगे, कैसे बोलेंगे उसका मल्टीपल है, है ना। तो उस वाले केस में क्या होगा, जो ये वेव सिंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट है ये फेल हो जाएगा, और उसके लिए आता है फिर क्या, मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट, वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले जितने मिलर इंडिसेस होते क्या है, सो मिलर इंडिसेस किसी ना किसी प्लेन की ही होंगी, है ना। तो क्या बता दिए, डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, इनसे हमें पता चलता है डायरेक्शन ऑफ द प्लेन की, प्लेन जो हमारे पास है वो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। इनके यहां कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी आप ये लिखोगे, ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होंगी, इनकी जो वैल्यू है मिलर इंडिसेस जो वैल्यू है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगी, विल नेवर बी इनफाइनाइट, इसको ध्यान रखना है, विल नेवर बी इनफाइनाइट, हमेशा क्या होंगी, हमेशा ही इंटीजर वैल्यू होगी, कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होगी हमेशा, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। और अब ये भी हो सकते कभी भी जो है वो इनफाइनाइट नहीं होंगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, हमेशा क्या होगा, हमेशा इंटीजर ही होंगी, ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ना जो प्लेन है उसको हम कभी भी, जो प्लेन है उसको हम कभी भी ओरिजिन पे कंसिडर नहीं करेंगे, प्लेन इज नेवर कंसिडर्ड, नेवर कंसिडर्ड ऑन द ओरिजिन। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जो प्लेन है वो ओरिजिन से पास कर गया तो अब इंटरसेप्ट कितनी जाएगी, जीरो, है ना। एक बार देखो, पहले जो मिलर इंडिसेस होते हैं क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ, मिलर इंडिसेस आर रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, जो कि आपके प्लेन की इंटरसेप्ट आएगी ओवर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, उसका रेसिप्रोकल अगर आप कर दोगे तो क्या मिलेगा हमें, मिलर इंडिसेस। उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट कि जो प्लेन है उसको हम कभी भी ओरिजिन में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कोई ऐसा प्लेन ले लिया, मान लो ऐसे करके कुछ है, प्लेन हमने ओरिजिन से ही पास करवा दिया, इसका क्या मतलब जाएगा कि इंटरसेप्ट कितनी है, जीरो। अगर आप इस तरह से देख रहे हो, ओरिजिन है जीरो जीरो, कोई लाइन यहां से पास करे तो क्या होगा, वाई के अलोंग कितनी है इंटरसेप्ट, जीरो, जेड के अलोंग कितनी है, सॉरी एक्स के अलोंग कितनी है, जीरो, और वाई के अलोंग भी कितनी है, जीरो। सो दोनों ही केसेस में इंटरसेप्ट जीरो होगी, अगर इंटरसेप्ट जीरो है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, वन बाय जीरो, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और मैंने पहले ही लिखवाया है कभी भी इनफाइनाइट वैल्यू या इन्फिनिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मिलर इंडिसेस को निकालेंगे कैसे, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले इंटरसेप्ट। पहला काम तो ये है, इंटरसेप्ट ढूंढो, जो प्लेन है उसकी इंटरसेप्ट हमें ढूंढनी है, उनके एक्सिस पे कौन सी है, फिर जो भी आपके पास इंटरसेप्ट आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सपोज करो, फर्स्ट क्वेश्चन है लेट्स से ए बाय टू बी सी बाय थ्री, ये हमारे पास है, ठीक है, और ये दे रखा है वेयर ए बी सी आर इंटरसेप्ट ऑफ द यूनिट प्लेन, वेयर ए बी एंड सी आर इंटरसेप्ट ऑफ द यूनिट प्लेन, ऑफ द यूनिट प्लेन, मतलब जो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्लेन पॉसिबल है
उसके इंटरसेप्ट क्या है, ए बी और सी, तो बाकी सारे कम करके होंगे, कोई ना कोई मल्टीपल ही होंगे, है ना, वो में दे रखा है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इंटरसेप्ट प्लेन की इंटरसेप्ट क्या है, ए बी और सी, तो क्या है यूनिट प्लेन की इंटरसेप्ट हमें दे रखी है, 1/2, 1/3 क्या है इसका, 1/2 into A और यहां पे 1 B 1/3 C, समझ पा रहे हो, ये तो हमारे पास यूनिट प्लेन की इंटरसेप्ट है, और ये कौन सी है जो हमारा एक्चुअली प्लेन जिसके हमें निकालनी है मिलर डिस्टेंस वो हैंगे। तो इंटरसेप्ट कितनी होगी यहां पर, इंटरसेप्ट की वैल्यू 1/2 1 1/3, ठीक है। मिलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिलर इंडिसेस होता है इनका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/1 डायरेक्टली रेसिप्रोकल, कितना जाएगा 2, इसका 1 इसका 3, तो बस आगे आपके पास मिलर डिस्टेंस क्या होंगी, 2 1 3, ठीक है। इस तरह से हमें करना होता है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आपको जो भी दे रखा है बताएंगे पहले वो यूनिट प्लेन की क्या है हमारे पास, एबीसी क्या इंटरसेप्ट है, जो भी उसका कोफिशिएंट होगा, कोई मल्टीपल नहीं होगा कुछ ना कुछ, है ना, उसको इंटरसेप्ट ले लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो कुछ इस तरह से दे रखा है, ए 2B 3C, फिर से वही है जो एबीसी का है हमारे पास, इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेन आपको निकालना है, मिलर इंडिसेस निकालने हैं, इस वाले प्लेन की कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालो, कितनी है 1 2 3, मिलर इंडिसेस क्या होती है इसका रेसिप्रोकल, 1/2 1/3। अब ना मैंने ये भी लिखवाया था कि जो मिलर इंडिसेस होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, हमेशा क्या होते हैं इंटीजर होती है ना, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में, कैसे करेंगे, ऐसा कोई नंबर ढूंढ लो, ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढ लो जो 2 से भी डिवाइड होता हो, 3 से भी डिवाइड होता हो, मतलब जो 2 के टेबल में भी आता हो और 3 के टेबल में भी आता हो, कैसे देखेंगे, 6 हो सकता है ना, 6 जो होता है स्मॉलेस्ट हमें ढूंढना है, स्मॉलेस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा कौन सा होगा सबसे छोटी वैल्यू 6 होगी, तो क्या करो सबसे वो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अब यह हो जाएगा 6 3 2, तो ये हमारे पास क्या है मिलर इंडिसेस की वैल्यू 6 3 2, हम इस तरह से निकालते हैं। आपको ध्यान रखना है कभी भी जो वो इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होगी हमारे पास किसकी, हमारे मिलर इंडिसेस की, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, ठीक है, तो ध्यान रखना है वाली बात। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ये है ए 3B इन्फिनिटी, ये हमें दे रखी है, क्या करेंगे सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालो, इंटरसेप्ट कितने 1 3 इन्फिनिटी, हमें निकाले मिलर इंडिसेस, कैसे निकालेंगे इसका रेसिप्रोकल 1 1/3 1/∞, ठीक है, क्या हो जाएगी 1 1/3 0, इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो सकती है, मिलर इंडिसेस इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये फ्रैक्शन को हटाओ, कैसे हटाएंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू थ्री, तो क्या हो गया 3 1 0, ठीक है, ये आ गई हमारे पास मिलर इंडिसेस। अब एक और लास्ट केस बचता है जिसमें अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू ले लू, जिसमें अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन सा ये, आई थिंक 4th है 5th है, ए माइनस 2B एंड लेट्स से 3C, ऐसे मान लो, इस वाले केस में क्या करेंगे, हमें पता है निकाल क्या होती है, इंटरसेप्ट 1 माइनस 2 3, अब इसका रेसिप्रोकल, और ये 1/3, ठीक है, क्या करेंगे इसको, अब निकालते हैं मिलर इंडिसेस, कैसे निकालोगे, 6 से मल्टीप्लाई करना, कॉमन जो लोएस्ट वाला पार्ट होगा जो मल्टीपल होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू सिक्स, कितना होगा 6 माइनस 3 2, इतना, ठीक है। अब ना आपको ध्यान रखना है कभी आप माइनस को ऐसे लिखते नहीं हो, कैसे लिखोगे इसको, 3 के ऊपर से 12 लगा दूंगी, तो ये हमारे पास क्या है मिलर इंडिसेस, उसको कभी भी नेगेटिव शो नहीं करते, उसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, ये तो हमने ऐसे वाला 12th में भी पढ़ा था, अब नया ये आता है कि आपको ना ड्रॉ करके दे रखे हैं प्लेन्स, ठीक है, आपको बता दें जो ये प्लेन आपको ड्रॉ करके दे रखे हैं उनकी मिलर इंडिसेस क्या होंगी, आपको निकालनी है इन प्लेन्स की मिलर इंडिसेस, कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना है आपको, देखो आपको ना मान लो हमने कोई भी एक कंसिडर कर लिया, फर्स्ट वाले देखते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि मैंने यहां रख दिया कुछ, पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है,
अब आपको क्या करना है, जो भी आपको प्लेन गिवन है, जो भी आपको प्लेन गिवन है, मैंने कौन सा ड्रॉ नहीं करा है, लेट्स से मैंने ऐसे प्लेन ड्रॉ कर दिया, आपको इसके बताने मिले एनालिसिस। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, हम ना कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं, आपको इस पूरे पे पूरे फिर कुछ ऐसा पॉइंट लेना है जहां पर आप अगर पॉइंट लगाओगे तो वहां से मूव करने में ना एक ही स्टेप पे आप प्लेन में पहुंच जाओ। कहीं भी ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है कि आप एक ही स्टेप में प्लेन के ऊपर पहुंच जाओ, तो ऐसे पहुंचोगे। और सबसे पहली बात जो मैंने लिखवाई थी, ओरिजिन इज नेवर कंसीडर्ड ऑन द प्लेन, नेवर कंसीडर्ड ऑन द प्लेन, कभी भी प्लेन पे ओरिजिन को कंसीडर नहीं करना है। ऐसा करो तो क्या होगा, अगर ऐसा करो तो इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगी, और इंटरसेप्ट जीरो होते ही मिलर इंडिसेस इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ना ओरिजिन यहां पे नहीं कंसीडर कर सकते, यहां नहीं कंसीडर कर सकते, यहां भी नहीं कर सकते, वहां नहीं कर सकते, बाकी कहीं भी कर लो। और ऐसे करना है कि वहां से एक ही स्टेप में कहां पहुंचे हम, सीधा प्लेन। मान लो मैंने यहां कंसिडर कर लिया, ठीक है, मान लो हमने यहां पर कंसिडर कर लिया ओरिजिन। तो अगर मैं बात करती हूं यहां पर, पहले ना इसको ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, ये माइनस वाई होगा, इसको इंक्रीज करो यहां से माइनस एक्स, इसको भी इंक्रीज कर दो माइनस जेड। अगर मैं कोई चीज बोल रही हूँ यहां पे कट कर लिया, अगर सपोज यहां पे कोई लाइन है मुझे ऐसे कट कर रही है, इंटरसेप्ट कितनी होगी, माइनस का कुछ आएगा ना वाई पे, ये वाला पोर्शन माइनस वाई का है। ये तो आपको ध्यान रखना है कि सर क्या हो रहा है, माइनस वाई जा रही है, बैक साइड पे माइनस एक्स जा रहा है, नीचे वाली साइड पे क्या जा रहा है, माइनस जेड जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये हमारा ओरिजिन है, इससे ऊपर जेड है, ओरिजिन के नीचे क्या है, माइनस जेड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे माइनस वाई, राइट साइड पे प्लस वाई, इस तरफ माइनस एक्स, इस तरफ प्लस एक्स, इतना ठीक रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं, देखो ये आपका ओरिजिन है, आप इसे नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, क्योंकि हमें प्लेन पे आना है ना, आप इसे नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, यहां पर पहुंच गए, ये क्या है हमारे पास नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला क्या है, जेड है। तो सबसे पहले मिलर इंडिसेस निकालने से पहले काम करते हैं कि पहले इंटरसेप्ट निकालते हैं, ठीक है, पहले क्या करेंगे, इंटरसेप्ट निकालेंगे इस वाले पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ओरिजिन पे कभी भी आपको कंसीडर नहीं करना है प्लेन। तो सबसे पहला काम करेंगे एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट निकालेंगे, इंटरसेप्ट निकालेंगे तीन एक्सिस के अलोंग, ठीक है, देखते हैं। अब ना हमने ये करा कि हम यहां से नीचे तरफ मूव करके आ गए, तो आपको पता ही कितना है, माइनस जेड है ना। तो हम ये कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो क्यूब है ना, जो गिवन है उसकी लेंथ कितनी है, वन है, वन यूनिट, उसकी हर साइड कितनी हो जाएगी, वन यूनिट। ये हमने मान लिया कि जो भी हमारे पास क्यूब में दिख रहा है वो क्या है, उसकी लेंथ जो है वो वन है, कोई भी यूनिट हो सकती है, वन यूनिट हमने बोल दिया। तो अगर आप नीचे की तरफ मूव करो तो कितना मूव करोगे, माइनस वन, माइनस जेड नहीं, कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो जेड के साइड तो क्या है, माइनस वन, जेड के लिए इंटरसेप्ट कितनी है, माइनस वन, मान लो यहां पर कुछ कट करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं किस पे, वाई पे, अगर आप वाई पे देखोगे इस तरफ मूव करोगे तो क्या है, ये तो वाई की पैरेलल ही हो गया है ना, वाई की तो पैरेलल, ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन यहां पर, यहां से नहीं देखना, ओरिजिन यहां पर है, इसको देखो, ये वाला हमारी वाई एक्सिस है ये वाली, ठीक है। तो वाई एक्सिस तो कभी कट ही नहीं करेगा, ये वाला प्लेन देख पा रहे हो, ये वाई एक्सिस है, इस पे कभी कट करेगा नहीं करेगा, इसको पैरेलल है, अगर पैरेलल है मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट इंटरसेप्ट। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं ऐसे करके तो क्या है, पैरेलल ही तो है हमारे एक्सिस के, ऐसे करके क्या है, अगर हमारे पास ये वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करो, ये वाई है, ये जेड है, और अपना ये वाली कौन सी है, ये एक्स है, ठीक है। तो वाई क्या है, ये पैरेलल है, तो क्या कर रहा, पैरेलल, तो इनफाइनाइट हो जाएगी इंटरसेप्ट। अब जो एक्स, अगर हम बात करते हैं एक्स की, इस तरह खाने तो एक्स के भी तो पैरेलल है, एक्स भी कभी कट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस यहां पर आ रही है, ये प्लेन कभी भी एक्स एक्सिस पे कट करेगा, इसके पैरेलल है, तो हमें कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखते हैं मिलर इंडिसेस, पहले रेसिप्रोकल निकालते हैं इसका, पहले निकालते हैं रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, वन बाय इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी माइनस वन बाय वन, ठीक है, क्या हो जाएगी मिलर इंडिसेस, जीरो जीरो माइनस वन, इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते, कैसे लिखेंगे ऐसे, तो इसकी क्या हो जाएंगे हमारे पास, जीरो जीरो, ठीक है, हम इस तरह से निकालते हैं। अब ये सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम अपने बाकी छह एग्जाम्पल पे, ठीक है, समझ आ गया ना कैसे करना है। दो चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये ओरिजिन के ऊपर प्लेन को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो इंटरसेप्ट हो जाएगी जीरो, इंटरसेप्ट जीरो होता है फिर वैसे प्रॉब्लम हो जाएगा, इनफाइनाइट और मिलर इंडिसेस इनफाइनाइट नहीं होती, ठीक है, पहली बात ये। उसके बाद प्लेन कुछ ऐसी जगह पे कंसीडर करना है जहां से एक ही स्टेप में आया जाए, एक स्टेप का मतलब ये होता है जहां से आपके प्लेन का डिस्टेंस वन यूनिट हो, ठीक है, ओके। आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से,
इसको नहीं भूलना, मैं रब नहीं करी इसको। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस वाले केस में हम ओरिजिन कहां पे कंसीडर नहीं कर सकते, पहले वो देखो, यहां पर नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता, कहां पर करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने यहां कर लिया, सिर्फ समझने के लिए मान लो मैंने यहां पे कर लिया, ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये ओरिजिन का यहां पर है, सो ये कौन सी एक्सेस हमारे पास, एक्स, ये बेटर वाली कौन सी होगी, माइनस एक्स, ये कौन सी है, वाई, ये कौन सी है, माइनस वाई, इसे ऊपर वाली जेड, नीचे वाली माइनस जेड, इतना ठीक है। अपना अगर आपने यहां पे कंसिडर किया तो देखो क्या प्रॉब्लम आने वाली है। पहली बात तो ये कि यहां से हम ये बोल देंगे एक्स वाई जेड के अगर हम निकालेंगे इंटरसेप्ट, है ना, निकालते हैं। अगर आप वाई साइड में मूव करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वन यूनिट पे जाके मिल गया प्लेन, तो वाई के अलोंग तो कितनी होगी, वन। एक्स के अलोंग कैसे करोगे, एक्स के अलोंग जो है इस तरफ, इस तरफ, ये तो पूरा पैरेलल है ना, कभी मिलेगा ही नहीं आपके यहाँ पे, एक्स और ये प्लेन तो क्या है, पैरेलल है, तो एक्स के अलोंग क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब देखते हैं जेड के अलोंग क्या करना है, जेड के लिए क्या करें, जेड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऐसे करके मतलब ऐसा ही है, कभी ये जेड के भी पैरेलल है, है ना, जेड के भी पैरेलल है तो इनफाइनाइट। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, वन बाय इनफाइनाइट, वन बाय वन, वन बाय इनफाइनाइट, मिलर इंडिसेस जीरो वन जीरो, ठीक है, इस वाले केस में कितना हो जाएगा, जीरो वन जीरो, ठीक है, आपको इस तरह से करना है। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन उसे ट्राई करो, पहले एक बारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ट्राई करना है, मैं यहां ड्रॉ करूंगी, यहां पर स्पेस और कम है, ऐसे हमें गिवन है, ठीक है, इसका हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे देख, कहीं पर भी डिसाइड कर लो अपना ओरिजिन, बस प्लेन के ऊपर, मतलब यहां नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमने माने कि हम यहां कंसीडर कर लेते हैं, अगर यहां कंसीडर करेंगे सो एज पर दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या लगेगी, तो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, इसके जस्ट नीचे क्या है, माइनस एड, इस तरफ क्या है, वाई, इस तरफ क्या है, माइनस वाई, ये क्या है, ये है x, इसके बैक साइड पे क्या है, माइनस एक्स, इतना ठीक है, जो मैंने यहां लिखा था वही मैंने वापस लिख दिया, क्या वो समझ में इजी रहे वो। तो अगर हम बात करते हैं इंटरसेप्ट की अलोंग x, y एंड z एक्सिस, फिर निकालेंगे रेसिप्रोकल, उस लास्ट में मिरर इंटरसेक्स, पहले देखते हैं x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, अगर मैं एक्स पे मूव करना स्टार्ट करूं तो क्या मुझे कभी ये प्लेन मिलने वाला है एक्स पे, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, हमेशा पैरेलल ही रहेगा, सो अगर एक्स के पैरेलल है तो इंटरसेप्ट कितनी, इनफाइनाइट। वाई को देखो, वाई यहां पे मुझे मूव करना है, ये लाइन भी यहां पे मूव करिए प्लेन की, तो हमेशा मूव ही करते रहेगा हमेशा, है ना, कभी भी कट नहीं करेगा उसको, तो यहां पे भी कितनी, इनफाइनाइट। जेड को देखो, अगर मुझे मूव करना है यहां पे इस तरफ, मैंने यहां से मूव करना स्टार्ट कर, मैं यहां तक पहुंच गई, मुझे प्लेन मिल गया यहां पर, है ना, तो ये कितना है, ये पूरा कितना है, वन साइड तो हमेशा ये वन यूनिट हमने कंसीडर कर रखी है, तो ये एक्जैक्टली इसका हाफ ना, ये पूरा वन है, तो कितना होगा, हाफ, यहां पे एक्सिस वो कितनी है, इंटरसेप्ट वन बाय टू, है ना, समझ गए, ये कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, वन बाय टू, ठीक है। अब देखो क्या वैसे रोल कितना हो जाएगा, वन बाय इन्फिनिटी, वन बाय टू कितनी जाएगी, जीरो जीरो टू, बस यही है, जीरो जीरो टू, इस वाले केस में हमारे पास ना हो जाएगा जीरो जीरो टू, आपको इस तरह से करना है, थ्री डी में इमेजिन कर पा रहे हो ना, वैसे ही करना है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा, आप यहां पर भी कर सकते हो, ओरिजिन को यहां पर भी ले सकते हो, कैसे करोगे, ये पूरा वन है, यहां से लेके यहां तक वन है, ये कितना हो जाएगा, यहां तक, यहां तक हाफ, बाकी सब तो पैरेलल ही, यहां पर भी पैरेलल, इधर भी पैरेलल, ठीक है, दोनों हर केस में आंसर यही आने वाला है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, ओ कॉर्डिनेट सिस्टम ही लग करना, चलो कोई बात नहीं, आपको सेम ही यूज करना है, ठीक है। थर्ड करते हैं, हमें यहां नहीं ले सकते हम ओरिजिन, यहां पर भी नहीं ले सकते, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, कहीं और कंसीडर कर लो, मान लिया कि मैंने यहां ले लिया,
ठीक है, मान लेते हैं कि हमने यहां ले लिया, तो ये क्या है x, इसके बैक साइड में क्या होगी माइनस एक्स, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है y, इस तरफ क्या होगी माइनस y, ऊपर ये वाली कौन सी है z, नीचे कौन सी होगी माइनस x, ठीक है। अब निकालो, फिर से लिखते हैं x y z, इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल एंड मिलर इंडेसेस, ठीक है, ये सब हमें निकालना है। तो देखो ट्राई करो, अगर मैं यहां से मुझे मूव करना है, पहले एक्स का ही निकालते हैं ना, एक्स पे क्या होगा, इस तरफ मूव करना पड़ेगा एक्स पे, और आप देख लो जो ये वाली लाइन है एक्स वाली, ये तो पैरेलल है ना, क्योंकि क्यूब में क्या है, देखो अगर मैं क्यूब यहां पे बना दूं, तो यहां पे ये वाली लाइन जो है ये तो पैरेलल है ना, ये वाली चार लाइन पैरेलल है आपस में, ऐसे ही जो ये है ये और ये पैरेलल है आपस में, है ना, और कौन सी ये वाली, ये पैरेलल है आपस में, सारी क्या है पैरेलल है ना, तो ये चीज आप लगाओ, जो ये वाली लाइन है तो इसके पैरेलल रहेगी हमेशा, इसके भी पैरेलल रहेगी, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कितनी है इंटरसेप्ट, इनफाइनाइट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कभी भी कहीं भी कट नहीं करेगी, तो क्या हो गया इनफाइनाइट। वाई देखो यहां से लेके यहां तक मूव करना पड़ेगा, यहां पर हमारे पास ये प्लेन है, कितना ये वन, सो वाई के केस में वन, जेड के केस में कितना, यहां से लेके ऊपर तक मूव करना स्टार्ट करो ना, यहां तक यहां मिल गया ना प्लेन हमें, यहां से मूव करना स्टार्ट करा ऐसे करके, और यहां हमें मिल गया प्लेन, ठीक है, तो कितना है ये वन, तो जेड पे कितनी इंटरसेप्ट है वन, बस इस वजह से कर दो वन बाय इंफिनिटी, वन वन जीरो वन वन, बस आगे आंसर मिले, डिस्टेंस कितनी है जीरो वन वन, ठीक है। अब करते हैं अपना फोर्थ वाला एग्जाम्पल, वही करें इजी है, बहुत हमने एक काम करा कि यहां पे कंसीडर कर लेते हैं हमारा मिलर अपना ओरिजिन, ठीक है, सो अगर आप यहां पे ओरिजिन कंसीडर करते हैं, देखना अगर यहां पे ओरिजिन कंसीडर कर रहे हो तो एक्स एक्सिस है ना अपनी, आगे वाली एक्स है, बैक साइड वाली क्या है माइनस एक्स, तो ये वाली पूरी क्या है हमारे पास माइनस एक्स, ठीक है, ये इधर पूरी वाई है, इधर क्या है माइनस वाई, ऊपर वाली जेड है, नीचे वाली क्या है माइनस जेड, इतना ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाली है कि जो ये वाली एक्स है वो क्या है माइनस एक्स, ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन के आगे एक्स है, ओरिजिन के बैक में माइनस एक्स है, इतना ठीक है, बस अब निकल जाएगा, इसी को चेंज करते हैं यहां से, चलो स्टार्ट करते हैं एक्स पे, ठीक है, एक्स जो है लास्ट में देखेंगे, पहले वाई देखते हैं, अगर वाई को देखोगे तो वाई से मूव करना स्टार्ट करो, यहां से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो प्लेन की हो गया है पैरेलल है, तो y पे तो होगी इंटरसेप्ट इनफाइनाइट, z पे देखते हैं, z इस तरफ जा रहा है, ये प्लेन भी इस तरफ जा रहा है, तो प्लेन का जो ये वाला पार्ट है वो भी क्या है पैरेलल हो गया ना z के एक्सिस के, तो यहां पे भी इनफाइनाइट। अब बचता है x, x पे ना गलती से भी वन मत देना, क्योंकि आपका ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन से आपको बैक साइड में मूव करना पड़ रहा है प्लेन तक पहुंचने के लिए, कितना आगा माइनस वन, इंटरसेप्ट माइनस वन, ठीक है, अगर इसके फ्रंट पे होता तो एक्स एक्सिस से बैक साइड पे क्या है माइनस एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा, वैसे प्रूव करो कितना आएगा माइनस वन बाय वन, वन बाय इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी, जीरो जीरो माइनस वन, यानी कि वन बार, ठीक है, ऐसे कर देखते हैं। इस क्वेश्चन फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वापस से बड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूं, ऐसे बनाया, उसके बाद ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम थोड़ा शेड कर देते हैं, निकालनी है आपको मिलर इंडेसेस। देखो हमने मान लिया ओरिजिन ना यहां ले लेते हैं, कहां पर ये बताओ, अगर हम यहां पर लेते हैं सपोज, है ना, अगर हम यहां लेते हैं तो देखो एक्स वाई
एंड जेड रहेगी इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स को तो देखेंगे बाद में, क्योंकि हमारे पास एक्स कौन से है, एक्स बैक साइड पे क्या है माइनस एक्स, ये कौन सी है वाई, इस तरफ माइनस वाई, दिस इज जेड, नीचे की तरफ माइनस जेड, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें जेड की, तो जेड एक्चुअल में यहां भी मूव कर रहे हैं प्लेन की, ये वाली साइड भी ऐसे ही मूव कर रही है, तो जेड की तो क्या है ये इनफाइनाइट है ना, जेड पे तो कभी कट करेगा नहीं, इसको ऐसे ऊपर बढ़ाना शुरू करो नहीं कट करेगा कभी भी, तो जेड पे तो हो गया इनफाइनाइट। वाई पे अगर मैं यहां से मूव करना स्टार्ट करूं तो मुझे कहां मिलेगा, ये प्लेन यहां पे मूव करना स्टार्ट करना, इस वाले क्वाड्रेंट में मिलेगा प्लेन, ठीक है। इतना इतना डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, इस साइड तो है क्यूब की है ना, तो ये हो गया वाई। एक्स देखो, एक्स के अलोंग आपको लग रहा है कि एक्स के अलोंग क्या होगा, एक्स तो ऐसे है, एक्स तो ऐसे है ना, वही साइड कितनी है, इसकी साइड ऐसे है, तो क्या ये पैरेलल है एक्स के, नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स के पैरेलल ना इसको बोल सकते हैं हम, क्यूब की साइड ये है और ये भी क्यूब की साइड है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, जबकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, आपको देखिए समझ आ रहा होगा ये चीज आपस में पैरेलल, बट ये पैरेलल नहीं है, कभी ना कभी कट करेगी ना, ये स्वामी बढ़ा था कट करेंगे ना वो, तो ये एक्स के पैरेलल नहीं है, कहीं ना कहीं पक्का जाके मीट करेगी, हमें देखना पड़ेगा कहां पे मीट करने वाली है, ठीक है। एक तो ये है स्केल लेके बैठो, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, यहां जाके कहीं पे मीट कर जाएगी, एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी है। हम कैसे कर सकते हैं और इजी मेथड क्या एग्जाम में करने का, वो ये, आप ये देखो आपका जो पूरा क्यूब था ना, ये वाला फेस था, क्यूब का फेस ये वाला था, क्यूब का फ्रंट फेस ये वाला है ना, तो इस फेस के तीन पीसेस कर दो, ये वाला पार्ट कितना इसका 1/3 होगा ना, ये 1/3, ये मतलब सबको ना ऐसे कर सकते हैं, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 1/3, 1/3, ये भी कितना 1/3, ठीक है। आपको एक काम करना है, पता है कहां जाके मिलेगी, या तो आप ऐसे करके समझ लो, समझ सकते हो तो बना है, सिंपल से करो, ये क्या है 1/3, ये 1/3 है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि कहां पे जाके मिलेगी 3 पे, कहां जाके मिलेगी 3 पे, मतलब आपको करना ये है जितना ये वाला डिस्टेंस है इस वाले चीज से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो आपने निकाला कितना है 1/3, क्योंकि हमने क्या करा पूरे जो पूरा फेस था क्यूब का उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 1/3 वाला पार्ट मिला इसको, तो 1/3 का ना रेसिप्रोकल कर दो, कितना होगा 3, तो 3 पे जाके ही मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 3 मतलब कौन सा, ये पूरा 1 है, तो ऐसे करके 1 मतलब ये 1 ऐसे करके लगाओगे 1, 2 और 3, ऐसे करके आगे 3 पे मिलेगी, ठीक है। तो इंटरसेप्ट कितनी होगी 3, रेसिप्रोकल करो उसका कितना आएगा 1/3, 1/∞, तो मिलेगी डिस्टेंस कितनी आएगी। अब पहले इसको करते हैं, ये हो गया 0, ये 1, ये 1/3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको ना, इंटू 3, ये 1, 3, 0, ये है आपकी मिरर इंडिसेस, ठीक है। इसका ध्यान रखना कैसे करना है, आप सिंपल एक काम करो ना, जो भी आपको दे रखा है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, फिर देखो इसको कितना पार्ट मिलता है, जितना भी पोर्शन इसको मिलेगा इस लाइन का पूरी का, उसका आपको रेसिप्रोकल कर देना है, क्या आएगी आपकी इंटरसेप्ट, ठीक है। ऐसे करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला जो है वही करते हैं। ऑरिजिन कहां पर ले, मान लो हमने ऑरिजिन यहां पर ले लिया, ठीक है, तो क्या करना है, ये क्या है एक्स एक्सिस, बैक साइड पे इसकी माइनस एक्स, ये क्या है वाई एक्सिस, इसके बैक साइड पे माइनस वाई, ऊपर क्या है जेड, नीचे क्या है माइनस जेड, ठीक है, ऑरिजिन के नीचे साइड पे माइनस जेड है। अब देखना स्टार्ट करो, अगर हमें लिखनी है एक्स वाई जेड की इंटरसेप्ट, फिर रेसिप्रोकल, फिर मिलर इंडिसेस, तो अगर हम बात करते हैं जिसकी इंटरसेप्ट की ना, तो देखो y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहे हैं, y एक्सिस पे कट कर रहे हैं, यहां पर ही ना ये 1 यूनिट, यानी कि 1, y पे 1, अगर z x की बात करें तो क्या कर रहे हैं, x यहां पे आओ, यहां पे मिल गया, यहां कट रहे हैं, तो ये भी कितना है 1, x पे भी 1, z पे देखो, z के जैसे ऊपर तो वो था 1 वाला होता, ऊपर वाला, नीचे कितना आएगा, ये यहां कर रहे हैं नीचे की तरफ कितना, ये माइनस 1, क्योंकि यहां पे ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर प्लस एक्स, प्लस जेड एक्सिस, नीचे की तरफ माइनस जेड एक्सिस, तो कितना देगा माइनस 1, रेसिप्रोकल भी इसी में आएगा, मेरे मिसेस कितने 1, 1, 1 बार, तो इस वाली कैसे क्या है 1, 1, 1 बार, ठीक है। इस तरह से करना था, कैसे कैसे निकाल लेना मिलर इंडिसेस, ओके, इस तरह से करके उसके बाद ना एक और तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ना मिलर इंडिसेस दे देंगे और बोलेंगे प्लेन बना दो,
कि मिलियन डिजिट आपको गिवन है, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन कैसे बनेगा वो बनाना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो आपको मिलियन इंडिसेस गिवन है 001, लेट्स सी, ये आपको गिवन है मिलियन इंडिसेस, आपको बनाना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्लेन है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये मिलियन इंडिसेस हैं, हम क्या करेंगे, इसका पहले इंटरसेप्ट बनाएंगे, इसका इंटरसेप्ट बनाएंगे। जब आपकी मिलियन इंडिसेस रेसिप्रोकल होती है, इंटरसेप्ट का इंटरसेप्ट का होंगी, रेसिप्रोकल होगी किसका, मिलियन इंडिसेस का, कर दो 1/0 1/0 1 कितना जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1। ठीक है, बस हमें इसको ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, बनाओ पहले क्यूब, बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, ये कौन सा है x, इसके बैक साइड पे क्या होगा माइनस x, इस तरफ क्या है y, इस तरफ क्या होगा माइनस y, ऊपर की तरफ क्या है z है, और नीचे की तरफ क्या है माइनस है। ठीक है, हमें ड्रॉ करना है, ये है x, x y z। ठीक है, x पे देखो, x पे क्या है इनफाइनाइट, x पे है इनफाइनाइट, जो भी प्लेन होगा, जो भी प्लेन होगा वो क्या करेगा, x क्या करेगा इनफाइनाइट ही रहेगा, मतलब x के पैरेलल होगा। x के पैरेलल कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है। क्या आप, मैंने बोला ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, क्या आप यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लेन ड्रॉ करा तो वो ओरिजिन पे प्लेन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ओरिजिन पे प्लेन आया तो इंटरसेप्ट जीरो जाएगी, हम क्या चाहिए, इंटरसेप्ट इनफाइनाइट चाहिए, है ना। क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, यहाँ पर इसके अलावा कुछ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर वो इनफाइनाइट रहेगा। अब लेते हैं वाई को, वाई का मतलब क्या है, ये अपने वाई एक्सिस है, पहले इसके पैरेलल वाली लाइन आपको देखनी है, इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये या फिर ये। अब अगर इनमें से किसी को भी लिया तो वो तो क्या करेगा, इसको तो ले नहीं सकते, है ना, ये तो ओरिजिन पे आ जाएगी, अगर ऊपर वाले को ले लेते हैं तो मतलब एक लाइन ये वाली होगी, एक लाइन ये वाली होगी। अब जेड को देखना, जेड कितना है 1, जेड है 1, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं ये वाला पूरा प्लेन बना दूं, उसे निकाल के देखो ना, अब सेम आएगी, यहां पे कितना है, ये वाला प्लेन जो है एक्स के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है, वाई के भी पैरेलल है, और जेड कितना है, यहां से जाके मूव करना स्टार्ट करो 1। ठीक है, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा ये वाला प्लेन बन जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं, मान लो मैंने आपको दे दिया 101, पहले खुद से ट्राई करो 101, आपको मिलियन इंडिसेस गिवन है 101, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन आपको बनाना है, तैयार करेंगे इंटरसेप्ट निकालेंगे अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, 1/1 1/0 सॉरी इंटरसेप्ट, हाँ ठीक है 1/1 तो जाएगी 1 इनफाइनाइट 1 इतना। ठीक है, बनाओ वापस से क्यूब, बन गया। ठीक है, फिर से ना वही माफ कर लो जो हमेशा करते हैं, उसे इजी हो जाते हैं चीजें, एक्स है y है और ये अपना z है, हमें पता है माइनस z होगी, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे माइनस x। ठीक है, x पे 1, x पे कितना चाहिए, ये अपना ओरिजिन है, x पे 1 चाहिए, 1 कहाँ पर हो गया, x फ्रंट साइड पे ना, यहाँ पे अगर माइनस 1 होता तो क्या होता, बैक साइड पे, हमें देखें अभी, यानी एक तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक तो हमारे पास प्लेन का जो पॉइंट है एक तो यहाँ पर आएगा, z पे भी 1, z पे 1 कितना होगा, यहाँ पे मूव करो तो यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। ओके, उसके बाद ना वाई पे इनफाइनाइट होना चाहिए, वाई पे इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस है, या तो यहां पर होगी ना, यहां पे होगी, यहां पे होगी, यहां हो नहीं सकती, है ना। तो एक तो ये वाला पॉइंट इसको जुड़ाओ, एक बार जोड़ो इसको ऐसे, ठीक है, एक काम करते इसको भी जोड़ देते। अब अगर मैं ड्रॉ करती हूं ये करके ऐसे, तो ये है y के तो पैरेलल है ना, ये y एक्सिस है हमारे पास, ये y एक्सिस है और हमारे पास क्या है, ये इसके पैरेलल होगी, है ना, सारी पैरेलल होगी तो हमारे पास प्लेन तो यही तो आ रहा है, तो y के तो पैरेलल हो गया, यहां से मूव करो z 1 हो गया, आगे मूव करोगे तो x ही 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से करके हमने इसको हम ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लो, मान लो आपको दिया हुआ है 0 1/0, ये दिया हुआ 0 1/0,
इसको कैसे चेंज करेंगे? पहले तो निकालेंगे इंटरसेप्ट जीरो, ठीक है, हमारे पास माइनस वन होगा ना ये, तो माइनस वन, ठीक है, मिल जाएगी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस वन, तो ये है आपकी इंटरसेप्ट, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये आपकी इंटरसेप्ट, ऐसे बना लिया, x पे इनफाइनाइट, z पे भी इनफाइनाइट, ठीक है, x पे इनफाइनाइट का मतलब क्या है, लेकिन पहले ना y का ध्यान रखो, y कितना होता है, माइनस वन होना चाहिए, ठीक है, सो y का मतलब माइनस वन का ये है कि हमारे पास ये तो y है ना, ये माइनस वाई है, ऐसे ही करते हैं, हमें ना y चाहिए कितना, माइनस वन, तो हम एक काम करते ना, ओरिजिन यहां पर ले लेते हैं, हमने ओरिजिन को यहां पर ले लिया, तो हमें पता है जो आगे की वाली साइड होगी ये y है, इसके बैक साइड पे क्या है, माइनस वाई, पूरा माइनस वाई है ना, ये कितना है, ये जेड है, ये माइनस जेड है, ये एक्स है और ये माइनस एक्स है, ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है, देखो वाई पे माइनस वन, वाई पे माइनस वन है, यहां पे पॉइंट आएगा, ठीक है, एक्स पे इनफाइनाइट, एक्स कौन से है ये, यानी कुछ ऐसे ऐसे होगी इनफाइनाइट, यानी कि इसके पैरेलल होगी, है ना, तो इसके पैरेलल कौन से हो सकते हैं, एक्स के पैरेलल या तो ये वाली लाइन है, या फिर ये वाली लाइन है, या फिर ये वाली लाइन है, ठीक है, फिर क्या है, जेड की भी इनफाइनाइट, जेड कौन सा है ये, इसके पैरेलल कौन सी होगी, या तो ये वाली लाइन, या फिर ये वाली लाइन, या फिर ये वाली लाइन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते ना, प्लेन बन तो गया, अपने आप से ही बन गया, ये है आपका प्लेन, या आपका ओरिजिन हो गया, इसे बैठक मूव करो माइनस वन पे, प्लेन मिल गया, ऊपर क्या है, जेड की भी, जेड की भी पैरेलल है, एक्स की भी पैरेलल है, ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं अपने प्लेन्स, तो यहाँ पर आपका मिरर इंडिसेस का पोर्शन खत्म होता है, क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो इसके, उसके बाद ना एक और वीडियो आएगी, मैं ट्राई करूंगी कल ही अपलोड करूं, कल हमारा सॉरी खत्म हो जाएगा, उसमें मैं देखना कि दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, और जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर मेरी साइड से खत्म हो जाएगा, बाकी आप इसके प्रीवियस से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करके हो जाएगा, ज्यादा मार्क्स का आते हैं चैप्टर, बट इजी क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो जाते हैं, इस बार में मिलर इंडिसेस एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मैं उसको देख के, हो सकता है आपको रैंक उसमें करवा दूंगी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।